दलजीत के पति निखिल की शातिर चाल, नहीं कराया एक्ट्रेस संग मैरिज का रजिस्ट्रेशन, केन्या में नहीं मिलती पारंपरिक शादी को मान्यता, कानूनी तौर पर पति पत्नी नहीं है जोड़ी, निखिल ने बताया दलजीत संग शादी को अवैध, तो बचाव में आए एक्ट्रेस के फैंस। जी हाँ, टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर लगातार इंटरनेट पर अपने तलाक का दुखड़ा शेयर कर रही है। एनआरआई पति निखिल पटेल पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। लेकिन ये क्या, कानूनी तौर पर तो इन दोनों की शादी ही नहीं हुई है। आपको भी लगा ना झटका। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले साल मुंबई में इतनी धूमधाम से तो दोनों ने दुनिया के सामने शादी की थी, तो अब ये कैसे मुमकिन है। अरे, रिपोर्ट्स के मुताबिक दलजीत के बिजनेसमैन पति निक ने खेल ही ऐसा खेला है और अपनी शादी के अवैध होने का खुलासा भी खुद निखिल ने ही किया है। हमारी भारतीय नारी दलजीत कौर संग अपनी मैरिज को निखिल ने पूरी तरह से गैर कानूनी बता दिया है। दरअसल हाल ही में निखिल ने दलजीत के द्वारा खुद पर लगाए इल्जाम पर चुप्पी तोड़ी है और एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है। इंटरव्यू में निखिल ने बताया, इस साल जनवरी में दलजीत ने अपने बेटे जेडन के साथ केन्या छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया, जिसके कारण हम अलग हो गए। हम दोनों को एहसास हुआ कि हमारे परिवार की नींव उतनी मजबूत नहीं थी जितनी हमने उम्मीद की थी। दलजीत के लिए केन्या में बसना मुश्किल हो गया। मार्च 2023 में हमने मुंबई में शादी की। हालांकि इसका सांस्कृतिक महत्व था, लेकिन ये कानूनी तौर पर नहीं हुई थी। कई कोशिशों के बावजूद भी दलजीत यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई। जी हाँ, निखिल के मुताबिक इस शादी की कल्चरल वैल्यू तो है, लेकिन लीगली इस शादी का कोई महत्व नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निखिल केन्या के रेसिडेंट हैं और वहाँ के रूल्स एंड लॉज के मुताबिक ये शादी रजिस्टर्ड वेडिंग नहीं है। मतलब दलजीत अगर उनसे कानूनी तौर पर तलाक भी लेना चाहेंगे तो केन्या में निखिल कोई कानूनी पछड़ा में नहीं फंसने वाले। अब जैसे ही निखिल ने खुलासा किया और दलजीत संग अपनी शादी को अवैध करार दिया, वैसे ही दलजीत के इंडियन फैंस ने सोशल मीडिया पर निक की क्लास लगा दी और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। एक यूजर ने कमेंट किया, मैं यही बोलूंगा कि वो बहुत भोली है। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, ये टिपिकल बिहेवियर है अपनी गलती ना मानने का और पार्टनर को गैसलाइट करने का। एक और यूजर ने कमेंट किया, दोनों ने शादी को केन्याई रजिस्ट्रार से सर्टिफाइड ही नहीं करवाया और निखिल इंडियन नागरिक नहीं है तो दलजीत उसे इंडियन कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं, लेकिन उनका क्षेत्र अधिकार सीमित है। तो किसी ने कमेंट किया, दलजीत स्मार्ट नहीं है, अपनी चूड़ा सेरेमनी की वीडियो बनाने के अलावा उसे लीगल चीजों के बारे में सोचना चाहिए था, कम से कम अपने बेटे के लिए। उसके दिमाग में फेरी टेल चल रही थी और उसने प्रैक्टिकल चीजों को इग्नोर कर दिया। ऐसे ही कॉमेंट्स निखिल और दलजीत की शादी का सच जानने के बाद लोग कर रहे हैं। बता दें कि निखिल के मुताबिक इन दोनों के बीच अलग अलग कल्चर की वजह से चीजें खराब हुई हैं और वो दलजीत ही थी जिन्होंने केन्या से हमेशा के लिए इंडिया लौट जाने का फैसला किया था। हालांकि दलजीत कौर ने जो कहानी बताई है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर ये बताने की कोशिश की कि उनके पति निखिल पटेल ने उन्हें किसी ऐसे नाम की लड़की के साथ चीट किया है। तो वहीं निखिल पटेल ने ये भी बताया कि दलजीत के सोशल मीडिया पोस्ट ने उन्हें हर जगह शर्मिंदा किया है। उन्होंने ऐसा करके सारी हदें पार कर दी हैं। अपने ऊपर लगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप पर भी उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार के साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। अब इस कपल के बीच असल में क्या हुआ क्या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पति की इन बातों को सुनकर एक्ट्रेस कैसे रिएक्ट करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।